नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर्स। आज का ये वीडियो है मेष राशि वाले जातकों के लिए, अप्रैल 2020 का महीना कैसा रहेगा उसके बारे में। तो बैकग्राउंड में जो ये आप देख रहे हैं, ये अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक है, अश्व योनि घोड़ा अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक है, और ये गज योनि का प्रतीक है हाथी, जो भरणी नक्षत्र कमांड करता है गज योनि। गज माने हाथी, तो ये भरणी नक्षत्र को कमांड करता है और इसकी योनि जो है ये गज योनि है। तो ये बैकग्राउंड में दिए गए हैं, इसका कोई खास ऐसा तात्पर्य नहीं है, लेकिन ये जो है लक्ष्मी जी का वाहन है। गज जो है वो लक्ष्मी जी का वाहन है, अश्व जो है वो पुराने ज़माने से ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आने वाला साधन जीव है। तो बहुत इम्पोर्टेंट दोनों प्राणी है अश्व और गज, जिसके बिना जो शुरू से ये संसार में चले आ रहे हैं, समुद्र मंथन के वक्त ये दोनों रत्न जो हैं वो समुद्र में से निकले हुए हैं, अश्व और हाथी। तो ये अश्विनी नक्षत्र को कमांड करते हैं अश्व, और भरणी नक्षत्र को कमांड करते हैं गज। ये दोनों मेष राशि के अंदर हैं। सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र है, दूसरा भरणी है, और तीसरा नक्षत्र जो है उसका प्रथम चरण है कृतिका। इसकी जो योनि है ये मेष योनि है। मेष माने भेड़, इंग्लिश में इसको शीप बोलते हैं, जो बकरियों के साथ रहता है। और ये जो मेष राशि है ये मंगल की राशि है, जिसको मंगल कमांड करते हैं, कमांडर इसके लॉर्ड जो है इसके राशि के अधिपति है मंगल। तो एक तो राशि अग्नि तत्व की है, मंगल के घर की राशि है, जिसके कारण फायरिंग इफेक्ट इस राशि के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, टू बी और नॉट टू बी वाली कोई बात नहीं होती है। जो करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। अपना माइंड बहुत क्लियर होता है जो कुछ भी काम करना होता है इसके लिए, और इजीली अपने ये टारगेट को फिनिश करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पावर है, घोड़े का पावर है, हाथी का पावर है, सूर्य का पावर है, क्योंकि प्रथम नक्षत्र कृतिका है, जिसके कारण इसका तेज भी है सूर्य का, और माइंड इनका जो है वो शॉर्ट टेम्पर रहता है, क्योंकि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि का इतना बैकग्राउंड बताने के बाद हम आपको बताते हैं कि आज का ये वीडियो है अप्रैल 2020 का मेष राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र एक नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि मेष है, और ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में आपका जन्म हुआ है, और जन्म के सूर्य भी आपके एक नंबर के अंदर है मेष राशि में, तो भी ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मेष राशि में है तो ये प्रिडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह मंगल ग्रह की ट्रांजिट से। तो मंगल ग्रह का जो भ्रमण है वो मकर राशि में होगा अप्रैल महीने में। पूरे मंथ के दरमियान मंगल मकर राशि में चलेंगे, 10वें स्थान में यहाँ पर शनि और गुरु के साथ चलेंगे। तो मंगल की जो ये राशि है उच्च राशि है, शनि की स्वग्रही राशि है, और गुरु की जो है ये नीच राशि है। तो उसकी कारण क्या होगा, एक तो मंगल गुरु का जो योग बनता है इसको महालक्ष्मी योग बोलते हैं, शनि मंगल का योग बनता है इसको अंगारक योग बोलते हैं, और शनि गुरु का जो योग होता है इसको आध्यात्मिक योग बोलते हैं। तो ये तीन योग इसका मंगल गोचर ट्रांजिट में उच्च के जो होने वाले हैं इसको बोलेंगे रोचक योग। तो आपके कार्यक्षेत्र के अंदर 10वें स्थान के अंदर होने वाला रोचक योग कहीं ना कहीं आपको पिता से लाभ करवाएंगे, बिजनेस में करियर में बेनिफिट करवाएंगे। जो कोई भी जातक मेडिकल, पुलिस, मिलिट्री, बिल्डिंग एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंसी, मेडिकल प्रोफेशन, ये सब के साथ कनेक्टेड हैं, इनके लिए तो ये महीने में चांदी चांदी है, क्योंकि मंगल 10वें स्थान में उच्च राशि में आपको करियर में
जबरदस्त प्रोग्रेस करवाने वाले बनेंगे, क्योंकि ये मंगल की जो दृष्टि होगी आपके जन्म के चंद्र के ऊपर होगी, जिसके कारण आपकी मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में भी वृद्धि करने वाले बनेंगे। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना होगा आपको सोच समझ के करना होगा, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, क्योंकि शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि, दो उग्र ग्रहों की दृष्टि आपके चौथे स्थान के अंदर है, और शनि महाराज की सप्तम दृष्टि और सूर्य की सीधी दृष्टि 13 अप्रैल के बाद आपके सेवंथ हाउस के अंदर होगी। तो सातवां स्थान जो है वो मैरिज लाइफ पार्टनरशिप का स्थान है। तो जो भी जातक विवाहित हैं और जो कोई भी जातक को बिजनेस में पार्टनरशिप है, इनको खास करके 13 अप्रैल के बाद का जो समय है वो पार्टनर के साथ रिलेशन में केयर करना होगा, पार्टनर के हेल्थ का केयर करना होगा, और जो कोई भी जातक पब्लिक लाइफ में है तो अपने वक्तव्य में, अपने बयान के अंदर, अपने स्पीच के अंदर कुछ भी ऐसा बोलना जाए कि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो, तो यहाँ पर आपको केयर करना होगा 13 अप्रैल के बाद। अप्रोक्सीमेटली 14 मई तक का जो पीरियड है, सूर्य शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपको, वंस अगेन आपको बता दें कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में और पार्टनर के हेल्थ का भी आपको केयर करना होगा। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो कुंभ राशि में है। बुध का ट्रांजिट इस महीने के अंदर तीन राशि में होता है, जो मंथ की शुरुआत में बुध कुंभ राशि में है जो 7 अप्रैल तक है। 7 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करके चलेंगे 12वें स्थान के अंदर। तो 7 अप्रैल तक जो 11वें स्थान के अंदर बुध हैं, ये आपके बिजनेस में, कैरियर में प्रोग्रेस करवाने वाले होंगे, मित्रों से लाभ करने वाले होंगे। लेकिन 7 अप्रैल से 24 अप्रैल का जो पीरियड है, अप्रोक्सीमेटली 16-17 दिन का जो ये पीरियड रहेगा बुध मीन राशि के अंदर, इसमें खास करके आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद बुध चलेंगे मेष राशि के अंदर, आपकी राशि के अंदर 24 अप्रैल के बाद। तो ये ट्रांजिट भी इतना शुभ तो नहीं है, मध्यम फलदायी बोलेंगे इसको, क्योंकि जो बुध चलेंगे आपकी राशि के अंदर, जिसके कारण आपकी माइंड की वाइब्रेंसी बढ़ेगी, और ऐसी परिस्थिति में लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको नहीं लेना चाहिए। गुरु आपकी राशि से 10वें स्थान के अंदर हैं, जो बिजनेस एवं करियर को एक्सपांड करने के लिए आप जबरदस्त मेहनत करेंगे, और बिजनेस बड़ा होगा भी सही, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी होगा, धीरज रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि मंगल साथ में है, शनि साथ में है, शनि धीरे धीरे काम करने वाले हैं, मंगल फास्ट काम करने वाले हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि आपके अंदर भी इंटरनल कॉन्ट्रोवर्सी होगी, आंतरिक इंटरनल कॉन्ट्रोवर्सी बोले तो आंतरिक विरोधाभास, ये करूँ, मतलब इसके अंदर मन में ऐसा गज ग्रह रहेगा कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो बी कूल, शांति से काम करें, धीरज से काम करें, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आने वाला जो ये साल है 2020 का, आपके लिए बहुत अच्छा है, और उसमें भी फंस अगेन आपको बता देते हैं कि मेष राशि के अंदर भरणी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये साल जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, आपकी लाइफ का यू टर्न बनने वाला है इस साल के अंदर, और आपको बहुत हाइट पे ले जाने के लिए ये साल के अंदर कुछ ऐसा काम होने वाला है, फाइनेंस रिगार्डिंग प्रोग्रेस होने वाला है, करियर के रिगार्डिंग प्रोग्रेस होने वाला है। तो ट्रांजिट अच्छा है, पेशन के साथ काम करिए। लव मैटर की कारकग्रह शुक्र वृषभ राशि के अंदर है, धन स्थान के अंदर कुटुंब सुख एवं धन सुख में वृद्धि करने वाले हैं शुक्र। शनि आपके खर्चे बढ़ाने वाले होंगे, 10वें स्थान में करियर का स्थान तो मजबूत कर रहे हैं शनि, लेकिन 12वें स्थान में दृष्टि होने के कारण आँखों का केयर करना होगा, खर्च आपका ज़्यादा होगा, प्रॉपर्टी मकान वाहन माता पिता आपके पार्टनर ये सब के लिए आपका खर्चा हो सकता है। राहु आपके पराक्रम स्थान में है जो आपको नए साहस करवाएंगे, और केतु आपके भाग्य स्थान के अंदर हैं जो विलंब से थोड़ा भाग्योदय करवाएंगे। राहु और केतु की शांति के लिए क्या करना है, राहु मूल आद्रा नक्षत्र में है और केतु जो है वो मूला नक्षत्र में है,
दोनों की शांति के लिए कुत्ते को दही पिलाना है या तो दूध और रोटी खिलाना है। कौन कौन से डेट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा टेक केयर करना होगा इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार रहेंगे 2, 3 और 4। जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कर्क राशि में, तो कर्क के जो चंद्र हैं वो राशि से चौथे स्थान के चंद्र बनते हैं। चौथा चंद्र छाती के ऊपर होता है, तो लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 10, 11 और 12, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक के चंद्र राशि से आठवें स्थान के चंद्र बनते हैं। आठवें चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 20, 21 और 22, जिसमें चंद्र चलेंगे मीन राशि में, तो मीन के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो ये था प्रिडिक्शन मेष राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2020 का। आपकी जानकारी में कोई मित्र है आपका मेष राशि वाला, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप इत्यादि माध्यम से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। आप जहां भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश।